हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज। छतरपुर जिले के नवागत एसपी सचिन शर्मा द्वारा पदभार संभाल लिया गया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रमुख तौर पर गंभीर अपराध, हत्या, लूट जैसे मामलों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अवैध रेत उत्खनन को लेकर नवागत एसपी का कहना है, शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। करेंगे सर, कानून को व्यवस्था को लेकर बेहतर करने के लिए किस तरह से प्रयास करेंगे? आज मेरे द्वारा छतरपुर जिले को ज्वाइन किया गया है। प्रमुख तौर पर यही रहेगा, खासकर जो गंभीर अपराध होते हैं, हत्या हुआ, लूट हुआ, उन पर पूर्णतः अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा और जो हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी निकाल किया जाएगा और सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उसी के तहत खासकर जो कानून व्यवस्था होती है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। कोरोना को लेकर खासकर किल कोरोना 1 जुलाई से चालू होने वाला है, उस मुहिम के तहत भी पुलिस समर्पित रहेगी। सर, बड़े स्तर पे रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन होता है, सर उसको किस तरह से रोकने का प्रयास रहेगा? अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें जब भी आएंगी, प्रशासन, माइनिंग और पुलिस एक साथ कार्रवाई करेगी और कठोर से कठोर जो अर्थदंड होता है, खासकर जो माइनिंग के द्वारा लगाया जाता है, वो उनको सपोर्ट किया जाएगा। और सर क्या प्राथमिकता रहेगी जिले के लिए? प्राथमिक तौर पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, महिला संबंधी अपराध रहेंगे और खासकर एक हम एक अलग से हेल्पलाइन नंबर देंगे, जिसमें किसी को भी कहीं पर भी कोई भी शिकायत होती है, कोई अगर फोटो वीडियो मैसेज भेजना चाहता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।